शुभ कज़ाला कुछ यूँ है कि खाने काबा के बारे में है। खाने काबा बलदुल अमीन कहलाता है, यानी अमन की जगह। यहाँ सहाबी अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के ज़माने में यही खाना काबा शहीद किया गया। फिर इसी अमन की जगह पर मुसलमानों को और बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जैसे वहाँ चोरियाँ हो जाती हैं, वहाँ आपकी जेब कट जाती है, और इस किस्म के छोटे मोटे वहाँ पे और भी तकलीफ़ात मुसलमानों को होती हैं। तो ये फरमाइए कि इस जगह को जब अल्लाह ने ये करार दिया कि यहाँ ये बलदुल अमीन है, यहाँ अमन की जगह है, यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, तो ये हादसात वहाँ होते क्यों? अल्लाह मतलब ये भेजने वाले ने ये पूछा है कि क्या अल्लाह वहाँ ये जान के करते हैं या वहाँ कंट्रोल नहीं रखते हैं, क्या बात है? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अच्छा सवाल उठाया किसी ने, लेकिन मसला यह है कि अमन व हिफाजत का अगर ये मतलब है जो वो साहिल समझ रहा है, जी तो फिर जो मैदान जिहाद में मुजाहिद को शहीद भी नहीं होना चाहिए, उसके जिस्म के टुकड़े भी नहीं हो जाने चाहिए, सारे मुजाहिद इस्लाम बिल्कुल अमन और हिफाजत के वापस आने चाहिए, कि किसी के बाल बेका भी नहीं होना चाहिए, जबकि मुजाहिदीन के लिए कितनी बशारतें वो कुरान सुन्नत ने दी, लेकिन मुजाहिद शहीद भी होते हैं, उनके परखच्चे जिस्म गुड़ जाते हैं, मारे जाते हैं। तो असल में अमन का वो मफहूम नहीं जो उन साहब ने समझा। अमन से मुराद है कि दुश्मनान काबा से अमन, जी काबा ये जो मकाम है इसके जो दुश्मनान हैं उससे इस घर को हमने अमन दे दिया। ये वजह इब्रा जो है लश्कर लेके आया था, वो इस काबा का दुश्मन बन के आया था ना, अल्लाह ने उसको अमन दिया, उसके पर खचे उड़ा दिए उसके लश्कर के, जी लेकिन वो तसर्रुफ नहीं कर सका इस घर के ऊपर, और कोई भी आज तक भी कोई भी उसके ऊपर ये तसव्वुर नहीं कर सकेगा कि उस काबा को तबाह कर सके, ठीक है ना। बाकी वो तामीर हज़रत ज़ुबैर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के ज़माने में जो ताबीर, तो उसकी मज़ीद बेहतरी के लिए थी, उसकी तबाही के लिए नहीं थी। ये तो होता है मस्जिद को शहीद किया जाता है मज़ीद मस्जिद बड़ी बनाने के लिए, तो वो जो जो ताबीर थी तो वो इस वो खुदा ना खासा दुश्मनी में नहीं थी, अच्छा। वो तो उसको मज़ीद बुनियाद इब्राहिमी के ऊपर कायम करने के लिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी की। अच्छा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हतीम का एरिया जो है काश ये इसके अंदर शामिल कर दूं मैं काबा में, लेकिन आयशा तेरी इस कौम से मुझे खतरा है कि ये इसको फितना ना बना लें, तो आपने उसको हतीम को बाहर रहने दिया। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला उनको जब आरजी वक्त कोई खिलाफत मक्के की हासिल हुई, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको शहीद करके उसकी तामीर को वाइड कर दिया, तो वो इस माना में था। अच्छा। तो वो तो जाहिर है कि वो अमन के खिलाफ नहीं है, तो इसलिए अमन से मुराद ये कि दुश्मनान काबा से अमन, और वो तो क्यामत तक रहेगा, दुश्मनान काबा जो है क्यामत तक, लिहाजा ये हरम मदीना हरम मक्का इन दोनों के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दज्जाल अकबर जो सबसे बड़ा फितना है वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, बाकी हर जगह फसाद फैला देगा लेकिन यहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा, बल्कि फरिश्ते जो अल्लाह के वो जो आग की तलवारें लेके इनके इर्द गिर्द खड़े होंगे और उनको देख कर दज्जाल भागेगा और वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा, तो दुश्मनान काबा जो है उनका की एंट्री नहीं हो सकती, उनसे ये मकाम जो अमन में है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अमन का एक वाइड मफहूम है। अभी अमन का ये मफहूम लें तो फिर तो आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे कि जी अंदर घुस के मरा क्यों है, जिया क्यों है, जख्मी क्यों हो गया, इसकी जूती चोरी क्यों हो गई, ये तो आपके अंदर के माहौल की चीजें हैं। अल्लाह एक वाइड माना में इसको अमन करार दे रहा है, अमन करार दे रहा है। अब ये तो काबा के अंदर बैठे वाले को भूख भी लगती है, वो कहते यार मुझे भूख लग रही, अल्लाह के घर में बैठे भूख लग रही, नहीं लगनी चाहिए है? ये तो अमन का मफहूम वो नहीं है जो वो समझ बैठा है। अमन का मफहूम यह कि दुश्मनान काबा जो है उनसे, और फिर उसकी खुली नजीर तो अबरा के लश्कर के मौके पे सूरत फील में अल्लाह ने जिक्र की कि हमने कैसे हिफाजत की, आबाबिलों से हिफाजत की है, और अब्दुल मुतलिब ने कह दिया था कि अल्लाह जाने अल्लाह के घर जाने, आप मेरे तो ऊँट दे दें, वो अपने ऊँट लेके चले गए, अल्लाह ने हिफाजत की। तो इसी के बारे में नबी ने फरमाया ये मक्का और मदीना इन दोनों में दज्जाल अकबर दाखिल नहीं हो सकेगा जो सबसे बड़ा फितना है, तो ये मुराद है अमन से। अमन से ये मुराद नहीं है कि अब जैसे कोई एक मुल्क है, अमेरिका एक मामून मुल्क है ना, अमन में है ना, कोई दूसरे मुल्क इसके ऊपर तसर्रुफ नहीं कर रहा ना,
جی. خود امریکہ کے اندر 100 حادثات ہوتے ہیں ایسے آئے دن لوگ قتل بھی ہو رہے ہیں دیکھ. چوری بھی ہو رہی ہیں ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں جیل میں بھی جا رہے ہیں نکل بھی رہے ہیں جی. آپ کہ یار یہ کیسا یار سیف کنٹری ہے جی. یہ تو ان سیف کنٹری ہے جبکہ دوسری دنیا کے ملک یہاں آ کے وہ سیاسی پناہ لے کے سیفٹی حاصل کرتے ہیں ایسے ہی ہیں پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں کہ ہم سیف ہو گئے جی امریکہ میں آ گئے سیف ہو گئے انگلینڈ میں آ گئے سیف ہو گئے لوگ کہ یہ سیف کہاں یار یہاں تو روز لوگ مر رہے ہیں یہاں تو روز قتل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ سیف ہونے کا مطلب یہ باہر والوں سے اب سیف ہے کہ باہر کے ملک میں جہاں تمہیں خطرہ تھا اب وہ یہاں ہاتھ نہیں ڈال سکتے اب تم اگر انٹر ہو گئے اور پولیٹیکل اسائلم لے لیا اب وہ تیرے ملک والے یہاں کوئی ہاتھ تجھ پہ نہیں ڈال سکتے یہ مطلب ہے اسی طریقے سے خانہ کعبہ جو ہے اس حرم کو اللہ نے جو امن والا کر دیا اب باہر سے کوئی دشمن نے کعبہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اب اندر کے جو جزوی واقعات یہ تو نیچرل ہیں یہ تو ایک یونیورس قانون کے تحت ہوتے ہیں وہ امن کے مفہوم کے خلاف نہیں ہیں بہت خوب نہیں یہ تو یہ آپ کی بات درست ہے خانہ کعبہ پر بھی کچھ پچھلے زمانے میں کچھ حملے ہونے کی کوشش ہوئی سب ناکام ہوا لیکن سب ناکام یہی مراد ہے یہی مراد وہ نہیں دشمنان کعبہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جی وہ اللہ اس کو سیف کر جاتے ہیں بہت خوب بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی